हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. दिए गए ऑप्शंस में से ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ से क्या रिलेटेड है. फर्स्ट दिया है पेंस्पर्मिया. तो आप जो पेंस्पर्मिया पढ़ते हैं, ठीक है, ये पेंस्पर्मिया क्या बताता है. अर्ली ग्रीक थिंकर्स जो थे ना, वो सोचते थे कि एक आप ऐसा सोचते थे यूनिट्स होते हैं लाइफ के, यूनिट्स ऑफ लाइफ, जिनको उन्होंने स्पोर्स कहा. ठीक है, स्पोर्स होते हैं और ऐसा माना गया ये जो स्पोर्स हैं और ये जो सीड है लाइफ के, ये एग्जिस्ट करते हैं ऑल ओवर द यूनिवर्स और इनको कैन बी प्रोपेगेटेड थ्रू स्पेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. और यहाँ पर ऐसा देखा गया कि ये ट्रांसफर हो जाते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर. तो सिंपली ऐसा ही माना गया कि जो स्पोर्स हैं ये ट्रांसफर हुए टू द डिफरेंट प्लैनेट. और अर्थ पर भी ऐसा ही माना जाता है कि अर्थ पर भी वो लाइफ का जो यूनिट है और जिसको हम स्पोर या सीड कह रहे हैं लाइफ का, वो कहाँ आ गया, अर्थ पर आ गया, ट्रैवल कर या ट्रांसफर हो गया अर्थ पर. इसी को पेंस्पर्मिया कहा गया और आज भी ये एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं उनका फेवरेट आइडिया है. तो पेंस्पर्मिया भी क्या बताता है, लाइफ ऑन अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ से रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड है, एक थ्योरी है. फिर दिया है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या कहता है, जो नॉन लिविंग मैटर होता है ना, जैसे कि आपका स्ट्रॉ हो गया, मड हो गया, ठीक है, ये जितने भी नॉन लिविंग मैटर्स होते हैं अर्थ पर, इनसे क्या हुआ, लाइफ इवॉल्व हुई. नॉन लिविंग मैटर से आपका क्या हुआ, लाइफ बना और फर्स्ट लाइफ हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ नॉन लिविंग उससे हुआ. इसी को आप क्या कहते थे, स्पॉन्टेनियस जनरेशन. तो ये भी क्या हो जाता है, ये भी ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात हो रही है. ऐसा माना गया जो डिकेइंग मैटर होता है, रॉटिंग मैटर होता है, जैसे कि स्ट्रॉ, मड, इससे लाइफ बनी है, इसी को स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहा गया. तो ये भी क्या है, ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड है. फिर दिया है केमिकल इवोल्यूशन. तो जो आपका केमिकल इवोल्यूशन है वो किस पर बेस्ड है, बेस्ड है ऑन द अजम्पशन दैट प्रिमिटिव अर्थ जो थी वो मिक्सचर थी, सिंपल केमिकल्स यहाँ पर मिलते थे. और ऐसा माना गया जो आप जानते हैं ओपेरिन ऑफ रशिया एंड हेल्डन ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने प्रपोज किया जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है वो कहाँ से आई है, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, प्री existing non-living molecule से आई है आपकी life. ठीक है, non-living molecule कौन सा molecule, ये भी होना चाहिए organic molecule. जैसे क्या, आपका RNA हो गया, protein हो गया, ठीक है, और that formation of life was preceded by chemical evolution. ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो केमिकल इवोल्यूशन से वो आगे बढ़ी और फॉर्मेशन हुई डाइवर्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो इसी को आप क्या कह देते हैं, केमिकल इवोल्यूशन कह देते हैं. इस टाइम पर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन मानी गई कि ऐसा होगा, टेम्परेचर हाई होगा, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट था प्रिमिटिव अर्थ पर, कि उन सब में ऐसे रिएक्शन फॉर्म हुए होंगे. तो सिंपली केमिकल इवोल्यूशन केमिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कैसे लाइफ इवॉल्व हुई है उनकी बात करता है. थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियसली नॉन लिविंग मैटर से, रॉट एंड डिकेइंग मैटर से, स्ट्रॉ, मड, इस टाइप के मैटर से लाइफ इवॉल्व हुई, उन्होंने ऐसा बताया. पेंस्पर्मिया ये कह देता है कि स्पोर्स हैं लाइफ के यूनिवर्स में और सीड्स हैं लाइफ के यूनिवर्स में, जो कहाँ ट्रेवल करके डिफरेंट डिफरेंट एरिया में प्रोपेगेट कर जाते हैं. ऐसा माना गया अर्थ पर भी वो आ गए, तो इस तरीके से लाइफ आई. तो ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ के बारे में तीनों बता रहे हैं, तीनों रिलेटेड है. तो करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पर बन रहा है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 111 पर गिवन है. थैंक यू.